दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका अपना टाइम जोन में। और अपना टाइम जोन आज आपको दिखा रहा है अमानगंज में हो रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया श्रीमती अमिता बागरी जी के द्वारा। आपको बता दें कि इससे पहले भी श्रीमती अमिता बागरी जी द्वारा गुनौर में भी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा चुका है, तो इसलिए उनको अनुभव बहुत है। युवाओं को आगे बढ़ाने में और दूर दराज के आ रहे बच्चों में प्रतिभा का भाव देखने के लिए अमानगंज की यह नेत्री और आगे निकलकर सामने आई हैं और बच्चों में हो रहे इस उत्साह का भरपूर स्वागत किया जा रहा है। उद्घाटन के स्वरूप किया जा रहा है यह शानदार कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल क्रिकेट टूर्नामेंट अमानगंज का कल फीता काटकर आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी भाई साहब खजुराहो लोकसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इसका शुभारंभ किया। इस भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट में मुख्य अतिथियों ने दोनों ही टीम से परिचय लेकर मैच का शुभारंभ किया। दोस्तों सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा अमानगंज एवं महेवा के बीच खेला गया क्रिकेट मैच, जिसमें अमानगंज टीम ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया और शानदार पारी खेलकर 170 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। वहीं शानदार जवाबी पारी खेलने उतरे महेवा ने मात्र 82 रन यानी 82 रन बनाकर अपनी पारी को समाप्त किया। मैच डायमंड क्रिकेट क्लब अमानगंज ने जीता और मैन ऑफ द मैच ओमी को नाम किया गया। मैच के दौरान श्री शिव नारायण मिश्रा जी, श्री अजय पटेल जी, श्री अली मोहम्मद, श्री टिंकू गौतम जी, श्री सोनू मिश्रा जी, श्री गोलू जी, श्री राजदीप जी, श्री लल्लन जी, रवि जी समस्त क्रिकेट टूर्नामेंट कमेटी समेत उपलब्ध रही और उपस्थित रही। दोस्तों एक मैच ककरहटी एवं सुनवानी के बीच खेला गया, जिसमें सुनवानी टीम ने बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और शानदार पारी खेलकर सुनवानी टीम ने 128 रन बनाकर ऑल आउट हुई। वहीं जवाबी पारी खेले उतरी ककरहटी टीम ने 129 रन बनाकर आज का मैच जीत लिया गया। आज का मैन ऑफ द मैच रॉकी को दिया गया। दोस्तों मैच की आयोजिका श्रीमती अमिता बागरी जी ने समस्त क्रिकेट टूर्नामेंट एवं अपने सहित टीम को इसकी बधाई दी और शुभकामनाएं दी। उनके द्वारा यह कार्यक्रम की सराहना की गई। एक मैच में गुनौर विधानसभा के पांचों मंडल अध्यक्ष रहे श्री डॉक्टर श्री सौरभ श्रीवास्तव जी मंडल अध्यक्ष अमानगंज, श्री मल खान सिंह जी मंडल अध्यक्ष गुनौर, श्री हरेंद्र त्रिपाठी जी मंडल अध्यक्ष सलेहा, श्री ललित गुप्ता जी मंडल अध्यक्ष देवेंद्रनगर, ये सब उपस्थित रहे। और भी नाम हैं, श्री दशरथ गुप्ता जी कोषाध्यक्ष, मंडल महामंत्री प्रदीप अवस्थी जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामलाल लखेरा जी, ललित तिवारी जी, अरविंद दुबे जी, दीपक यादव जी, राजदीप जी, सोनू पाठक जी रहे और मुख्य अतिथियों ने अपना पूरा जिम्मेदार वाला कार्य। तो दोस्तों बने रहिए अपना टाइम जोन के साथ। यदि आपके क्षेत्र में भी कोई शानदार टूर्नामेंट हो रहा है और इसकी खबर आप अपना टाइम जोन के माध्यम से चलाना चाहते हैं और खेल प्रतिभाओं के बारे में अपना खिलाड़ी होने का दायित्व निभाना चाहते हैं, तो हमें जरूर फेसबुक पर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मैसेजेस हमें भेजिए, ताकि हम आपको आपके खिलाड़ियों, आपके टूर्नामेंट्स के आयोजन के बारे में सब तक यह जानकारी पहुंचा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।